वेलकम फ्रेंड्स टू दिस डीटेक यूट्यूब चैनल। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ रियलमी 2 का अनबॉक्सिंग। तो चलिए इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और इसे जान लेते हैं क्या क्या है इसके फीचर्स। तो यहाँ पे आप ऊपर में जो बॉक्स का ओवरव्यू है वो देख सकते हो। आप ऊपर में 2 लिखा है और नीचे में एक रियलमी 2 का एक स्ट्रिप दिया हुआ है। ये हालांकि ये रिटेल बॉक्स नहीं है, ये जस्ट एक रिव्यू बॉक्स आया है। तो इसे पहले मैं अनबॉक्सिंग कर चुका था, तो अभी आपको दिखा देता हूँ कि इसका बॉक्स कैसे होने वाला है। तो यहाँ पे आपको पहले इसे ओपन करना होगा और यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि रियलमी लिखा हुआ है और इसके अंदर आपको शायद एक केस मिलेगा। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे एक सॉफ्ट केस आपको देखने को मिलेगा। ये सिलिकॉन बैक कवर है, इसे साइड में रख देता हूँ। और यहाँ पे है सिम इजेक्टर टूल। तो यहाँ पे कोई मैनुअल नहीं है क्योंकि ये रिटेल बॉक्स नहीं है। तो जब मार्केट पे ये आएगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि जो पेपर वर्क होता है वो देखने को मिल जाएगा। और ये है रियलमी 2। तो इसके डिजाइन देख सकते हो, एक प्रीमियम लुक की तरह लग रहा है। रियलमी 1 से भी बहुत बेहतर यहाँ पे लग रहा है। तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया हुआ है। तो इसके अंदर और बॉक्स में क्या क्या है पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप एक चार्जर, यहाँ पर आपको नॉर्मल चार्जर ही देखने को मिलेगा। ये 2 एम्पीयर 5 वोल्ट की एक नॉर्मल चार्जर दिया हुआ है। और यहाँ पे इसके डेटा केबल है। तो यहाँ पे देखिए, जो नॉर्मल डेटा केबल है USB 2 का, तो वही माइक्रो USB केबल यहाँ पे दिया हुआ है और इसके अंदर और कुछ नहीं है। तो मैं अभी इसे बूट कर चुका हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो इसके डिजाइन, यहाँ पे नॉच डिस्प्ले दिया हुआ है और यह है 6.2 HD+ डिस्प्ले। तो इसके जो ओवरव्यू है वो मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ऊपर में एक नॉच मिलेगा, यहाँ पे फ्रंट कैमरा और कुछ सेंसर दिया हुआ है। और यहाँ पे साइड में इसके डिजाइन देख सकते हो, यहाँ पे बीच में एक फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने को मिलेगा जो रियलमी 1 पे नहीं है था। और इसके वही मतलब जो डायमंड का डिजाइन दिया था पहले वाला, तो वही डिजाइन यहाँ पे भी है। और यहाँ पे 2 कैमरा दिया हुआ है, बीच में है एक चार्जर और जो हेडफोन का जैक है 3.5 इंच का। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में वॉल्यूम रॉकर बटन दिया हुआ है, ऊपर में कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे जो डिजाइन है, मतलब एक प्रीमियम मोबाइल में जो डिजाइन आपको देखने को मिलता है, तो यहाँ पे भी वही सेम डिजाइन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे जो प्रोसेसर मिल रहा है वो है स्नैपड्रैगन 450। यही एक दुख की बात है कि यहाँ पे भी अगर रियलमी 1 की तरह मीडियाटेक का हेलो P60 लगा देता तो ये बहुत बढ़िया एक मोबाइल हो जाता। मतलब आप परफॉर्मेंस, गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छा फील कर सकते थे। बट यह पे स्नैपड्रैगन 450 का प्रोसेसर दिया हुआ है। हालांकि यह प्रोसेसर बुरा नहीं है, बट उससे थोड़ा सा लेस पावरफुल है। ये तो अगर वो दे देता तो ये अच्छा रहता। और यहाँ पे सिम ट्रे देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या है, डेडिकेटेड है या फिर यहाँ पे 3 स्लॉट दिया हुआ है, 2 सिम आप लगा सकते हो, उसके साथ साथ एक मेमोरी कार्ड भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। ये एक बहुत बढ़िया ऑप्शन दिया हुआ है क्योंकि स्टोरेज का बहुत प्रॉब्लम आता है आजकल के मोबाइल पे, तो ये प्रॉब्लम आपको फील नहीं होगा। और ये जो मोबाइल है इसमें जो कैमरा है ये भी बहुत बढ़िया है यहाँ पे। हालांकि ये बोर्ड है इसलिए इसके पिक्चर क्वालिटी नहीं समझ में आ रहा है, बट मैं पर्सनली इसे पिक्चर मतलब कैप्चर करके देख चुका हूँ, तो बहुत बढ़िया पिक्चर आता है। रियलमी 1 से रियलमी 2 में बहुत बेहतर पिक्चर आता है। और इसके साथ साथ यहाँ पे बोके इफेक्ट, पोर्ट्रेट मोड, बहुत सारे मोड यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ यहाँ पे AI का फीचर्स, जैसे कि मतलब जो स्टिकर या स्टिकर, वो भी आपको इस मोबाइल पे देखने को मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना सा ही। प्लीज से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं थोड़े दिन में इसके फुल रिव्यू में लेकर आऊँगा, तो वहाँ पे मैं इसके गेमिंग परफॉर्मेंस, बैटरी परफॉर्मेंस, कैमरा परफॉर्मेंस, सब कुछ डिटेल्स में बताऊँगा। तो तब तक के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।